तुम यहाँ क्यों आए? हाँ शिंगचेन, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? टैंक सर ने मेरा इलेक्टिव कोर्स प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहे मेरे कंटेंट में कोई दम नहीं है। तो क्या? तो मैं चाहता हूँ कि आपकी स्टोर के सेल्स डेटा मुझे दिखाइए और हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि आपकी स्टोर्स की ग्रोथ कैसे हुई। तो तुम्हें मेरा स्टोर केस स्टडी के लिए चाहिए? और भी कुछ कहना है तुम्हें? एक बात बता दूं, अगर तुम्हारे कंटेंट में कोई दम नहीं है तो कुछ और करके कोई फायदा नहीं। मैं वादा करता हूँ इस बार मैं केस को अच्छे से स्टडी करूँगा। मैं सच कह रहा हूँ। अगर सिर्फ डेटा देखा जाए तो वो सिर्फ पेपर पे होता है। जब तुम करोगे तब तुम्हें पता चलेगा, समझे? लेकिन आपको लगता है कि मुझे कहीं और से ऑनलाइन स्टोर का डेटा मिल सकता है? ये सब इतना मुश्किल भी नहीं है, बस इन सारी चीज़ों को थोड़े से प्रमोशन और मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो तुम्हारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अब से स्टार्ट होती है। हम सुबह 9 बजे स्टोर खोलते हैं तो सारी चीज़ें उससे पहले हो जानी चाहिए, ठीक है ना? ये सब ठीक है, चलो ये मैं उठा लेती हूँ और बाकी चीज़ें तुम अंदर ले आना। अब जल्दी भी करो, देख क्या रहे हो? इतनी बुरी आंटी मैंने कभी नहीं देखी। हाय, मैं हूँ टैंग रूज़, शिंगचेन का कॉलेज फ्रेंड, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। मिस्टर टैंग, वैसे आप करते क्या हो? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। आप और शिंगचेन एक दूसरे को यूनिवर्सिटी से जानते हो? कितने सालों से? 2 सालों से। आज मैंने प्रोफेसर टैंग की क्लास अटेंड की, काफी कुछ सीखने को मिला। चलो चलते हैं, मैं थक गई हूँ। मिस, हाँ तुम यहाँ इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? आपने कहा था कि स्टोर आसपास है, मैं बस मदद मांगने आई हूँ। अच्छा, लाओ मुझे तो। ओ, आज है मेरे पास। मिस, आपको कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए था? क्योंकि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। वैसे तुम जब भी इसे ले जाना चाहो तो यहाँ से लेके जा सकती। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड बाय। ये वही पपी है ना जिसको तुमने पहले बचाया था? कितना क्यूट है ये। मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। 9 बज चुके और दुकान नहीं खुली, कैसे बिजनेस करते हो? तो आपको इतनी सुबह सुबह क्या चाहिए, वो भी इतना अर्जेंट? सोंग शिंगचेन ये बिजनेस करती है? मैडम, हम लोग प्रोडक्ट्स रीस्टॉक कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, डिलीवर हो जाएगा। दुकान अभी खुली है तो मैं एक बार देख लूं? ठीक है, आप देख सकते हैं। क्या यही सब चीजें तुम बेचते हो? आप यहाँ कुछ खरीदने नहीं आई हो? मैं बस देखने आई हूँ। खैर, मैं सोंग शिंगचेन की जूनियर हूँ और उसे ही फॉलो करती हूँ। ये बढ़िया है, उनका भी कोई फैन है। आपने बिल्कुल सही इंसान को पकड़ा। इस दुनिया में मिस सोंग को समझने वाला बस मैं ही हूँ। ठीक है, मैं सवाल पूछूंगी और तुम जवाब देना। 1 सवाल 1 इनाम। क्या तुम्हें मैं यहाँ का नौकर लगता हूँ? तुम्हें जवाब चाहिए ना? ये देख रही है तुम? एक बॉक्स एक क्वेश्चन। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ऑनलाइन प्राइस जितना ही पड़ेगा। डील, मैं ये सब ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बॉक्स हैं, तो 7 क्वेश्चन। क्या तुम्हें यकीन है तुम सारे जवाब दे पाओगे? हाँ हाँ यकीन है, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? तुम्हारी उम्र के लोग सच में इतना बोलते हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं। हाँ, तुमने इसे कैसे गिन लिया? बिल्कुल, ये भी गिना जाएगा। अब तुम्हारे पास 4 बचे हैं। तुम? हाँ ठीक है। सोंग शिंगचेन और सू किनशे के बीच में क्या रिश्ता है? लगता है तुम पूरी तैयारी करके आई हो। मुझे लगता है सू किनशे शिंगचेन का बॉयफ्रेंड बन जाएगा। तो तुम कह रहे हो वो अभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है? अभी के लिए नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन वो प्रोफेसर टैंग रूज़ ना? हाँ वही, उन दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ? प्रोफेसर टैंग पढ़ाई के लिए अब्रॉड गए थे, इसके लिए। फिर से दोनों का कुछ हो सकता है। काफी सालों से वो एक दूसरे से नहीं मिले हैं और शिंगचेन के हिसाब से पास्ट मायने नहीं रखता, पर अगर देखा जाए तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो इसका मतलब वो फिर से दोनों एक हो सकते हैं। लगता है आपने मेरी पूरी बात ठीक से सुनी नहीं। एक और चीज, सोंग शिंगचेन और सू किनशे को साथ में होना चाहिए। ये सब मुझे नहीं पता। हाँ पर लेकिन आपके क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद करता हूँ आप फिर से यहाँ आएंगी। तो आपके हुए टोटल 6550। स्कैन कीजिए। हाँ? प्रोफेसर क्या आप मेरे लिए यहाँ पे साइन कर देंगे प्लीज़? हाँ क्यों नहीं। प्रोफेसर आप गलत जगह पे साइन कर रहे हो, वो ग्रेड सेक्शन है। आपको क्या हो गया? आप खोए हुए लग रहे हो। कुछ नहीं। अच्छा सुनो। हाँ? मुझे मार्केटिंग मटेरियल ऑर्गेनाइज करने में मदद करोगे, खासकर स्टोर बदलने में और औरतों के प्रोडक्ट्स की केस स्टडी में? जी बिल्कुल। थैंक यू। तुमने काफी जल्दी कर लिया। रुको रुको, चिंता मत करो, सामान यहाँ नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने बेच दिए हैं, वो भी 6550 में। और हाँ, ब्रेकफास्ट भी लेकर आया हूँ। बाकी के पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। सच कह रहे हो? ये सब तुमने कैसे किया? ये एक ट्रेड सीक्रेट है जो तुम्हें नहीं पता। तुम बस स्टोर के सेल डेटा मुझे भेज देना याद से। अभी मुझे जाना होगा, मेरी क्लास है। लकी हो तुम कि तुम्हें मैं मिला। इसने ऐसे कैसे कर दिया? मुझे ऐसा लग रहा था इसे बेचने के लिए आधा महीना लगेगा। मुझे उससे क्या, हर किसी का अपना तरीका होता है काम करने का। चलो सब ठीक करते हैं और बाकी के प्रोडक्ट्स को भी ऑनलाइन ही डाल देते हैं। ओके। तुम्हें अभी भी याद है? शाओली, क्या हुआ? स्टोर पर कस्टमर की रीच कम ही होगी। अगर हम अच्छे कस्टमर्स को पहचान कर बढ़ा नहीं पाएंगे तो हमारे लिए आगे सेल करना मुश्किल हो जाएगा। सुनो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हमारे यहाँ कुछ ब्रांड्स हैं जो एजेंट्स नहीं देखते। अगर हमारा काम अच्छा है तो हम उन ब्रांड्स को टारगेट कर सकते हैं। और हमारा काम अच्छा रहा तो हमारे स्टोर की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। अच्छा आइडिया है। देखो, मैंने कुछ ऐसे ही अच्छे ब्रांड्स को देखा है। उनमें से एक जापानीज ब्रांड है LYS Love Yourself। ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप मुझे ईमेल कर दो प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, अच्छे से देखना। ठीक है। एक 30 साल का एसोसिएट प्रोफेसर जो कि बहुत हैंडसम है। मिस सॉन्ग का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। क्या सोच रहे हो? तुम्हारे रिजेक्शन के पीछे मिस सॉन्ग के एक्स का हाथ है क्या? शिंचन को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। देखो, मुझे उस पर डाउट तो नहीं है, पर शायद वो लड़का वापस आना चाहता हो। मुझे लगता है तुम्हें उसे तुरंत हैंडल करना चाहिए। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? हो सकता है इस गेम में वो लीड लेने में सफल हो, लेकिन तुम भी तो अलग हो ना। तुम्हारे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। खुद पर भरोसा रखो। उस बेवकूफ से क्यों घबरा रहे हो? नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता। हमला करने से पहले अपने विरोधी को पहचान लो। सुनो, तुम हाँ शाओली के बहुत करीब हो, है ना? लेकिन एक लड़की अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो उससे दूर रहना लिखित नियम है। ठीक है, मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ उसका बेस्टी तुम्हारे करीब आए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उससे चैट करना शुरू करो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे साथ किसी भी लड़की का नाम मत जोड़ना, खास करके हैन शाओली, क्योंकि वो सोंग जिनसेंग की बेस्ट फ्रेंड है। सुनो, तुम्हें मेरे टाइप के बारे में पता है? गोरी, खूबसूरत, लंबी टांगों वाली, जो की शॉर्ट स्कर्ट्स पहने। वैसे भी शाओली मेरे लिए भाई जैसा है। ये तो अच्छी बात है। या फिर भी तुम आज रात आ रहे हो? कैप्टन सू, कैप्टन लू, बोलो। मेरा पार्टी प्लानर यहाँ पर है। लू, मैंने जगह बुक कर दी है जो आपको चाहिए थी। गेस्ट भी रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो मैं कार रेडी करता हूँ, है ना? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब बहुत आसान है, अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना? हाँ। अरे यार, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं जानते क्या? आप जाओ भी। मैंने तुमको बताया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जोयाओ, तुम्हें बता दूं कि ऐसे लोगों के साथ मत रहा करो। ठीक है, तो फिर बिना प्यार के जिंदगी भर अकेले ही रहो। गुड बाय। चलना है तो चलो। ए, वो बहनें आ रही हैं क्या? हाँ, मैंने सब अरेंजमेंट कर दिया है। मैंने बहुत बार कोशिश की है। चिंता मत करो, वो आ रही है। जायली, थोड़ा इसे तो देखो। ये ब्रांड की तरफ से प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। ये सब कुछ जापानीज में क्यों है? हाँ। इस तरह से हम कनेक्ट कैसे होंगे? तुम किसी को जानती हो जो ट्रांसलेट कर सके? तो फिर हमें ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। ठीक है। मुझे 2 कॉपी दे दो, मैं मदद करूंगी। चिंता मत करो लू, मैंने सब तैयारी कर दी है। जाओली, जाओली, काफी देर हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं हूँ यहाँ पर। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? बस चलो भी। तुमने सुबह सफाई की और फिर पूरे दिन काम भी किया। बीमार पड़ गई तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। ठीक है, बस बहुत हुआ, घर जाओ। चलो, मैं जाती हूँ। ठीक है, कॉल करना। जिनसेंग एंड वॉलबेरी तुम्हारे लिए, तुम्हें एनर्जी देगा। इसके लिए शुक्रिया। बस हो गया, अब तुम जाओ, कल बात करते हैं। इसे पी लेना, आराम से जाना। इस वक्त तुम्हारे घर पे कोई लीकेज है क्या? वो मेरे घर पे आ रहा है क्या? मैं अभी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पास जा रही हूँ। ओह माय गॉड, इसके लिए माफी चाहती हूँ, मैं ठीक कर देती हूँ। जल्दी करो। अब मैं क्या करूं? काफी दिन के बाद हम मिले हैं और आज की शाम कुछ अलग ही है। देखो, पाइप टूट गई है। तुम इतना दयालु कब से होने लगे? रात में बहुत लेट हो गया था। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे ऐसा बना दिया। तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल नहीं बहला सकते हो, समझे? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो शिंगचेन की लव एडवाइजर तुम ही हो, सही कहा ना? अच्छा, तो वो तुम थे कि सू क्विंचे को बताने वाले? बहुत ही घटिया हो। अच्छा, तुम संगीन सस्पिशियस हो। तुम मेरा विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हो। अरे यार, मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी बेस्टी को बैड सजेशंस देने बंद करो। तुम इससे किंगचे ओवरथिंकिंग करेगा। मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ। तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुम इसे संभाल पाओगे या नहीं? नहीं तो प्लम्बर को बुला सकती हूँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। हमारी रेस्क्यू टीम के सारे लड़के टैलेंटेड हैं, समझी? जबकि मैं वाइस कैप्टन हूँ, तो क्या मैं एक पानी का पाइप भी नहीं बना सकता? माफ करना मुझे, ये माफ करो। मुझे माफ करना, माफ कर दो, ये सब गलती से हुआ है, गलती से हुआ, माफ करना। मैं कैसे भरोसा कर सकती हूँ कि तुम पाइप ठीक कर सकते हो? ये गलती से हुआ, इसे सही से ठीक करने के लिए किसी को बुलाता हूँ मैं। ये लो गरम पानी, इससे बॉडी गरम हो जाएगी। गरम है, आराम से। पूरा दिन काम करने के बाद घर पे जब आई, मुझे लगा मैं आराम करूंगी, पर पाइप टूट गया। मैं ढूंढ रही थी कि कोई इसे फिक्स करे, और मैंने बेकार आदमी को ढूंढा। मुझे शो ऑफ करना था ना, पर इसे बनाने वाला मुझे मिल गया है। अच्छा, अच्छा वैसे तुम इतना लेट कैसे हो गई? कहाँ बिजी थी? हम सोच रहे थे कि हम डिस्ट्रीब्यूटर बने, हमें प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिली लेकिन जापानीज में, और हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। शिंचन और मैं ट्रांसलेट कर रहे थे कैरेक्टर। हाँ, एक ट्रांसलेटर को जानता हूँ, तुमसे मिला सकता हूँ मैं, वो कल से शुरू कर देगा। फिर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यार तुम कुछ भी बोल रही हो, सच में ऐसा नहीं है। सुनो मेरी बात, ये बस वन टाइम ऑफर है। हाँ अरे तुम ठीक हो ना? मेडिसिन नहीं है क्या घर पे? हाँ मुझे जाना। अरे अगर ऐसी बात है तो बेड पे सो जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। चलो आ जाओ, लेट जाओ, मैं अभी आता हूँ। बेबी मैंने देख लिया, क्या तुम मुझे समझा सकती हो? तैयार है, ये लो, इसे पी लो, बेहतर लगेगा। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ख्याल रख सकती हूँ अपना। नहीं कर पाओगी, जो बिगाड़ता है वही तो बनाता है ना। इसे मेरी गलती की सजा समझ लो। ये ब्राउन शुगर का पानी है। मुझे पीरियड्स तो नहीं आए हैं, लेकिन मैं ये ड्रिंक क्यों पीऊं? इसे पी सकती हो, मैंने टेस्ट किया है। इसे बनाते हुए मैं जल भी गया। तुम ठीक हो? थोड़ा दर्द तो है, कुछ मदद कर सकती हो? सुनो ना, ठंडी होने से पहले इसे पी लो। हाँ ये लो, ठीक है ना? इसमें अदरक भी है। हाँ, ब्राउन शुगर और अदरक कोल्ड को खत्म करता है। इंटरनेट पे पढ़ा था, गलत थोड़ी हो सकता है। लेकिन सारी चीजों का मापदंड होता है। ज्यादा डाल दिया क्या? कोई बात नहीं, इसे मत पियो, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये लो, आराम से पी लो। ये क्या था? मैं उस समय पूछने वाली थी। इसमें नमक डाला है? हाँ, ये उनके लिए अच्छा होता है जिन्हें बुखार और डिहाइड्रेशन हो। थोड़ा सा नमक है। हाँ इसे पी के देखो। देखो लगता है कुछ ज्यादा डाल दिया। कोई बात नहीं, दूसरा बना कर लाता हूँ। नहीं शुक्रिया, मुझे पहले ही थोड़ा कोल्ड है और फीवर भी। तुम्हारे केयरिंग करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। मुझे माफ करो, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। मेरी वजह से बीमार पड़ी हो तो मैं ही ठीक करूँगा ना। तुम्हारे केयर के बगैर मैं ठीक हो जाऊंगी। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। पर सुनो, मेडिसिन ध्यान से ले लेना। जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। जा रहा हूँ। वो पूरा दिन एक साथ है, क्यों सू क्विंचे, और इतने लवेबल और कूल है, और ये तो बिल्कुल बेवकूफ है। हालांकि ये डम तो है, लेकिन अच्छा है। तुम क्या सोच रहे हो? थोड़ा सा कोल्ड और फीवर था और पाइप भी टूट गया था घर का। मैं अभी ठीक नहीं हूँ। तुम अकेले रह लोगी ना? लू क्वीन मेरे पास है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सब कुछ कर रही हो, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। हमने अपने इन्वेंटर लगभग खाली कर दिए हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो अच्छी बात है, मेरा काम बच गया। यू कैन बढ़िया। अच्छा सुनो, एक फ्री ट्रांसलेटर है जो दोपहर में तुम्हारे घर आएगा और वो सू किनशे है। हेलो। हे शिंगचेन, मुझे स्टोर के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तो मिलते हैं। मिलते हैं। मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। जो तुमने ईमेल किया था वो अभी तक मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। लास्ट टाइम स्टोर बदलने पर था, अब हम ब्रांडिंग पर बढ़ेंगे। सच कहूँ तो ये एकदम वही है जो मुझे चाहिए था। आगे का प्लान क्या है? हम सोच रहे हैं कि एक जापानीज ब्रांड को अच्छा रेपुटेशन देने का। ये हमारा पहला कदम होगा क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने का। जापानीज ब्रांड, इसका मतलब तुम्हें जापानीज ट्रांसलेटर चाहिए होगा। हाँ, हमें मटेरियल तो मिल चुका है लेकिन आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वो सब मुझे भेज दो, मैं ट्रांसलेटर की मदद से सब करवा दूंगा। कोई बात नहीं। शाओली ने कहा है उसे ट्रांसलेटर मिल चुका है और वो आके हमें बता देगा। ट्रांसलेटर शायद वो सू किनशे है। हाँ वही है। मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। और वैसे अगर ये डील पक्की हुई तो ट्रीट मेरी तरफ से। पक्का। मैं निकलती हूँ। ठीक से जाना। सॉरी देर से आने के लिए। कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया। और माफ करना, मुझे थोड़ा सा काम था। चले। आज के लिए थैंक यू, तुम सही टाइम पे आए हो। तुम बहुत जल्दी में थी और तुमने ये भी कहा था कि ये आज ही करना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हर काम इतने अच्छी तरीके से कर सकते हो। तुम बस इसे ट्रांसलेट कर दो। हम इसे रीब्रांड करेंगे। हमारी इन्वेंट्री पूरी साफ हो चुकी है और हमारे ऑनलाइन स्टॉक भी पूरा बेच चुका है। मुझे जल्दी करना होगा। एक ब्रांड को टारगेट करके हमें ये काम बहुत जल्दी ही करना है। अगर तुम्हें इतनी जल्दी थी तो तुमने मुझे कल रात को कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे ल्यूकिन काफी ज्यादा शाओली के साथ घूम रहा है। वो उसके घर भी गया था। क्या उसका कोई इरादा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे इसके लिए मना किया था। चलो काम करो। तुम ट्रांसलेट करो, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे पढूं? क्या ये भाषा मुश्किल है? इसके लिए ट्रांसलेटर क्यों यूज नहीं करते? नहीं कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। वैसे ये वाला प्रोडक्ट जेंटल मॉइस्चराइजेशन हमें प्रोवाइड करता है और हमारी त्वचा को नरिशमेंट भी करता है, बालों को स्मूथ और शाइनी बनाता है। आगे बढ़ो। सोंग शिंगचेन, तुमने उस रात मुझसे ये कहा था ना कि एक लड़की अपने पार्टनर से बहुत कुछ चाहती है। क्या तुम मेरी बनोगी? तुमने कुत्ता कब से पाल लिया? शायद उसे भूख लगी है। ये तो वही है। क्या इस पर तुम्हारा कोई एहसान है? नहीं, ये वही कुत्ता है जिसकी हमने जान बचाई थी। हमने जान बचाई थी? हाँ। पता नहीं था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा तुम्हें पता होगा, तुमने कभी पूछा भी नहीं। तुम मुझे कब से जानते हो? जब हम ब्लाइंड डेट पर मिले थे उसी वक्त। सच कहूँ तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैंने जानबूझ के वो चीजें की थी। मुझे लग रहा था जब मैंने तुम्हें देखा तुम उन सब में से बहुत अलग लग रही थी। कब, कहाँ, कैसे, मुझे नहीं पता। तुम्हारी चाल ढाल सबसे अलग थी। तो मतलब हम उस दिन पहली बार मिले थे। तो तुम मुझे बताओ कि जब से हम मिले हैं तब से तुमने मुझ में क्या बदलाव देखे? अब तुम मेरी तरह हो। जितना भी तुम जानती हो। हमारी पहली ही मुलाकात में तुम मुझे अच्छी लगने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे दोबारा ब्लाइंड डेट पर मिलोगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब क्या? अब तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में? मैं बस थोड़ा सा उत्सुक था। जब तुमने हमारी रेस्क्यू टीम ज्वाइन की मुझे लगा तुम जैसी लड़की ये कैसे कर पाएगी। मेरे जैसी लड़की में क्या परेशानी है? मैंने आज तक किसी खूबसूरत लड़की को इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखी। जब तुमने रेस्क्यू टीम ज्वाइन किया तब मैंने देखा कि तुम अपने काम के प्रति कितनी ईमानदार हो और लोगों की मदद भी करती हो। मेरे लिए इतना काफ़ी है। काफ़ी मीठा बोल लेते हो, वो भी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तुम बताओ, क्या तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स है? उस दिन जब तुम्हें बुखार था और तुम मेरे घर पर थे, क्या तुमने सच में कुछ नहीं सुना था? नहीं तो दिमाग वही दोहराता है। ठीक है, फिर अब तुम मुझे अपना बना सकते हो। मिशन कंप्लीट, हम जीत गए। कैप्टन लू, क्या हम टीम के लिए कुछ खाने के लिए दें? विलियम को बहुत भूख लगी, उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। विलियम को बस तुम पाने ही वाले हो, है ना? पूरा दिन साथ में गुजारने के बाद कुछ नहीं कर पाए, कुछ होने वाला है या नहीं? फिलहाल मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कुछ ट्रिक्स अगली बार सिखाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अभी आया, जल्दी करो। हमारे लिए पानी का बॉटल लाना। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। किनशे, तुम मुझे बहुत पसंद हो। किनशे, जैकपॉट लगी है क्या? हाँ शायद। तुम और वो अपना रिलेशनशिप कंफर्म तो किया है ना? हाँ लगता तो है। देखो अगर हो तो हो, अगर नहीं हो तो नहीं हो, इसमें ये क्या कह रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि हम कपल हैं, लेकिन हमने एक दूसरे से कहा नहीं है। हमारे बीच जो भी है वो बस हम जानते हैं कि इसे हमें क्या कहना चाहिए। चलो अब तुम बताओ, कल रात तुमने क्या क्या किया? मैंने सुना है कि कल पूरी रात तुम शाओली के घर पर थे, क्या ये सही है? मैंने दुश्मन से बस तुम्हारे लिए हाथ मिलाया है, लेकिन शिंगचेन की बेस्टी को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है। देखो मैं शायद तुम्हारी लव स्टोरी को समझ सकता हूँ। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे बारे में तुम किसी को मत बताना। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं भी मेरिट्स के बारे में बता दूंगा। वो मेरे टाइप की नहीं है। कैप्टन लू, कैप्टन सू, आगे एक प्रॉब्लम आ गई है, एक बच्चा कार में फंस गया है।